मैं हूं तितरस दास, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिर से स्वागत है हमारे अपने ही चैनल आवर एडुकेशन पर। आज की टॉपिक यही रहेगी कि आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती है, उसकी आवर्स क्या होते हैं और उसके प्रोविजंस क्या होते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये टॉपिक जरूर आया होगा कि आईपीएस ऑफिसर क्या फैसिलिटीज मिलती है, फिर उसके ड्यूटीज क्या रहते हैं। तो दोस्तों, आज बात करूंगा इसी बारे में, तो चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आईपीएस में भर्ती होने के लिए सबसे पहले देनी पड़ती है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसके बारे में आपको सबको पता भी होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद ही आईपीएस कोई बन सकता है। तो दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं कि ड्यूटीज क्या रहती है। आईपीएस का इतना ही काम होता है कि टू मेंटेन द पुलिस पीस एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन द जिस एरिया से भी वो है, उस एरिया में पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो स्टेशंस है उनको मेंटेन करना। दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं उनके आवर्स की। दोस्तों, जो स्टेट पुलिस है और जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस होती है, उन दोनों को कोऑर्डिनेट करके मॉनिटर करके चलाना ही आईपीएस का काम होता है, जिससे कि जहां पर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत हो वहां पर जो डिपार्टमेंट्स को वो फटाफट से खबर कर पाए, फटाफट से इन्फॉर्म करने के बाद काम जल्दी हो पाए, दैट्स वाई आईपीएस को अपॉइंट किया जाता है। आईपीएस से लोग बहुत जगह जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ भी आईपीएस से लोगों को लिया जाता है। आईपीएस से दोस्तों कोई सीएपीएफ जा सकता है, कोई तरह तरह की जो विजिलेंस डिपार्टमेंट्स होती है उनके अंदर भी आईपीएस ऑफिसर्स ही काम करते हैं, या फिर उनको आईपीएस ऑफिसर्स की मदद चाहिए होती है। आईपीएस बात करें कि उनके ड्यूटी आवर्स की, सो दोस्तों आईपीएस की ड्यूटी बहुत ही टफ होती है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है एंड उसको 24/7 काम करना पड़ता है। ये बहुत हेडेक वाला काम होता है, कभी कभी तो वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खाते, ठीक से सो भी नहीं पाते, फिर भी उनको काम करना पड़ता रहता है देश शांति मेंटेन करने के लिए, स्टेट में शांति मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटीज में कुछ और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि स्टेशंस को ड्यूटी करना, स्टेशंस को ड्यूटी में रखना, उनको ठीक से उनमें काम चल रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मान पा रहे हैं कि नहीं लोग, या फिर जो पब्लिक है उनके लॉ एंड ऑर्डर पहुँच रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करना एक आईपीएस का काम होता है। आईपीएस ऑफिसर्स को कुछ ऐसी भी पावर्स दी हुई होती है जो पावर्स की लॉ बुक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, बट आपदा के कालीन या फिर क्राइसिस के कालीन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको कुछ अलग तरह की पावर्स दी हुई रहती है जो वो समय समय पर उपयोग करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स को रिजर्व फोर्सेज में भी रखा जाता है, जैसे कि अपने स्टेट में या फिर अपने एरिया में कोई भी वीआईपी आ रहा है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एस्कॉर्ट कर सकते हैं, ड्यूटीज रहती है। दोस्तों, अभी दोस्तों इसके बाद अगर बात करें हम सैलरी की, सो दोस्तों एक आईएएस और एक आईपीएस की सैलरी लगभग सेम ही होती है। अगर आपको इसके बारे में जाननी है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने वो डिस्क्राइब करके बातें की थी, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आईएएस के ऊपर वो वीडियो बनाई थी मैंने, वहाँ पे मैंने पे स्केल्स बताए थे इन दोनों टाइप के ऑफिसर्स के, वो आप जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए रखना चाहूँगा यही तक, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो में कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई आप अभी भी देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।